हम देखते हैं कि the quality of debate in the country has become so aggressive. लोग वैंडलिज्म और गुंडागर्दी पर उतर आते हैं जब भी उनसे अगर आपकी सोच उनसे नहीं मिलती हो तो या तो डरा देते हैं धमका देते हैं कुछ गलत कर बैठते हैं. आई थिंक जो हमारे देश की सबसे ज़्यादा खूबसूरती है वो ये है कि हम एक अम्ब्रेला की तरह हैं. हम सदियों से सेंचुरीज से बहुत अलग अलग कल्चर्स को रिलीजन्स को एम्प्रेस करके आगे बढ़ते आए हैं. एंड आई थिंक दिस इंटॉलरेंस दैट पीपल शो टूवर्ड्स, जैसे कि आपने अभी इस हादसे की बात की, आई थिंक इट्स इट जस्ट इज इंडिकेटिव एंड रिफ्लेक्टिव ऑफ हाउ लिटल एंड हाउ लिमिटेड आर अवेयरनेस इज अबाउट हाउ ग्रेट वी आर एंड हाउ ऑल एम्ब्रेसिंग वी आर एज अ पीपल. मुझे ये भी पता है कि पहले सानिया मिर्ज़ा पे फतवा निकाला गया था क्योंकि वो टेनिस खेल रही थी स्कर्ट पहनकर. अभी वो टेनिस प्लेयर हैं, वो स्कर्ट नहीं पहनेंगी तो क्या पहनेंगी. तो ये जो सोच है ये इसको बदलना होगा. और अगर कोई लड़की मुसलमान होकर कोई गाना गाती है जो उसके मन का चुनिंदा गाना हो और उसमें उसको खुद को कोई वो करने में दिक्कत महसूस नहीं हो रही है या प्रॉब्लम महसूस नहीं हो रही, तो आई डोंट बिलीव एनीबडी हैज़ अ राइट टू स्टॉप हर और हैव अ कमेंट ऑन वेदर शी कैन डू इट और नॉट. आई थिंक कि बॉलीवुड के जो कलाकार हैं, जो निर्देशक निर्माता हैं, हम लोग वल्नरेबल हैं, हम लोग सॉफ्ट टारगेट हैं. और इसलिए आपने देखा है कि पिछले दो साल या ढाई साल में लगातार, चाहे वो आज जो हुआ नाहिद, क्या नाम है, नाहिद के साथ, या जो जायरा के साथ हुआ, या जो आमिर खान साहब के साथ हुआ, या शाहरुख सर के साथ जो हुआ, या संजय लीला भंसाली के साथ, उनका कल सेट पे आग लगा दी गई अपेरेंटली, उनको मार पिटाई हुई उनके साथ, उनके सेट के ऊपर. आई थिंक कि दो चीज़ें, एक तो हमारे देश में बहुत ज़्यादा ये कल्चर गुंडई का बढ़ रहा है और कोई रोक नहीं है उस पर ऐसा लग रहा है, और दूसरा कि मुझे लगता है कि बॉलीवुड ने बहुत सालों तक बहुत चुप रहा है, हमें इतना चुप नहीं रहना चाहिए था. एंड आई थिंक अब वक्त आ गया है कि बॉलीवुड को एक आवाज़ करके ज़रा प्रोटेस्ट करना चाहिए इसके खिलाफ, क्योंकि आई थिंक इट्स अ रिडिकुलस सिचुएशन एंड वेरी शेमफुल. आई विश हर द वेरी बेस्ट. आई थिंक शी इज बीइंग वेरी ब्रेव एंड मैंने उसका शॉर्ट सा एक इंटरव्यू देखा एंड आई फेल्ट वेरी टच्ड कि समबडी ऑफ हर एज इज स्टैंडिंग अप एंड आप लोग मीडिया वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सपोर्टिंग हर. एंड अभी इस देश को ये धर्म जाति इन सब चीज़ों से उभर के आना चाहिए. हम सब हिंदुस्तानी है, बस इतना याद रखना चाहिए, नेशनलिज्म शुड बी आवर फर्स्ट रिलीजन. जय हिंद.